हेलो फ्रेंड्स, तो अब रीजनिंग का पार्ट बचा है और मैथ्स का। मैथ्स में मेरा डिजिटल पेन काम नहीं कर रहा है और डिजिटल पैड तो है ही नहीं। फिर भी देखते हैं, मैथ्स का कोई अरेंजमेंट होता है तो मैं करता हूँ, नहीं तो फिर सॉल्व करके उसका वीडियो बनाऊँगा। तो रीजनिंग का जो भी है स्क्रीन रिकॉर्डर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखिए। चलिए रीजनिंग का सॉल्व करते हैं। 14th में फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग का, उसका रीजनिंग सॉल्व करते हैं। मैं सोचा कि ना करूं, लेकिन फिर सोचा कि 10-15 मिनट लगेगा, कर देते हैं अगर किसी को डाउट आएगा। वैसे डाउट तो आता नहीं रीजनिंग में, किसी को डाउट आएगा तो क्लियर हो जाएगा, सॉल्व करके हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से वेंचर एक वर्ड दिया, वेंचर में से देखने का इसमें से कौन सा नहीं बनेगा उसके अल्फ़ाबेट यूज़ करके। वेंचर, रेन, ट्रू, टर्न, रेट, RATE, ए मिसिंग है तो रेट। दूसरा, 9 + 8 / 8 - 4 × 6, बॉड मास रूल लगाने का है, तो आंसर इसका फाइनल 68 आएगा। फाइनल इसका आंसर 68 आएगा बॉड मास करके। 3 में देखिए, एक एक बीच में अल्फ़ाबेट मिसिंग है, तो हमको चार ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मेरे स्टाइल में चार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, फटाफट हो जाता है ऐसे, ABCDE, तो पता चल गया ट्रिक। अब देखते हैं किस में ऐसा है। MNOPQ, पहले वाला ए, थर्ड का ए, फोर्थ का प्रोग्रेशन ऑर्ड में है, GP में है, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, फिर 9, फिर 11 का डिफरेंस आएगा 37, फोर्थ का ए, फिफ्थ का मल्टीप्लिकेशन है, 4, 3, 12 × 5, 60, लास्ट का भी देख लीजिए, 4, 4, 2 × 2, 4 / 60, 4 को कर देंगे 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 17, फिफ्थ का बी। तो इसमें देखिए 6 में, अब इसको कैसे बताऊँ, डिजिटल पेन तो है नहीं, फिर भी देखिए साउथ में अगर खड़ा है, साउथ से वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, साउथ से पहले ईस्ट में जाएगा, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, साउथ से ईस्ट में जाएगा 10 मीटर, ईस्ट से फिर साउथ में जाएगा 15 मीटर, फिर वहाँ से साउथ के बाद वापस ईस्ट में जाएगा 5 मीटर, वापस लेफ्ट टर्न मार लेगा 15 मीटर, तो किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, आंसर नॉर्थ, सी, 6 का आंसर सी। इसमें देखिए ट्रायंगल, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, जितने एक जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर देखिए 8 ट्रायंगल हैं, छोटे छोटे 8 ट्रायंगल, उसके बाद जो रेक्टेंगल का मिडल पॉइंट है उस पॉइंट पे 4 ट्रायंगल मीट हो रहे हैं, 8 और 4 = 12 हो गया, और फिर रेक्टेंगल का 90 डिग्री का 2 ट्रायंगल 14 हो गया, फिर साइड के जो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं वो ऐड कर लीजिए 16 हो गया, और कहीं है एक भी बनेगा ट्रायंगल, चेक करने में क्या जाता है, चेक करने में गया था, 16 तो हो गया 16 तक, तो 16, 18, 20, हमारा 14 तो उड़ गया, 14 से ज़्यादा हो रहा है, 16, 18, 20, और देखते कहीं से बनेगा। और नहीं बन रहा है, आंसर ए, 7 का A 16। और देखिए, 8th में क्यूब दिया है, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, आंसर बी, 9th का ADIP, DGLS, BEJQ, इसमें क्या ट्रिक काम कर रहा है, इसमें प्रोपोर्शन चल रहा है, ए के बाद बी सी छोड़ के डी आया, दूसरे में डी देखिए, डी के बाद 2 छोड़ के जी आया, आई के बाद 2 छोड़ के एल आया,
पी के बाद दो छोड़ के एस आया, तब बी के बाद दो छोड़ के सी, डी छोड़ के ई आएगा, तो हमारा एक पहला ही मिला, सॉल्व हो गया 9 का सी। ऑथर, ऑथर पेन का यूज़ करता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करेगा, 10th का सी। 11 का देखिए, पोलाइट, पोलाइट का रिवर्स कर दिया है, एटीलॉप, हमको फिर रिवर्स देखने का है। जी नहीं, ए तो नहीं है, बी रिवर्स है, जी हाँ बी रिवर्स है, पूरी तरह रिवर्स है बी। ALGNIS बराबर। 11 का आंसर है बी। स्टेटमेंट क्लियर देखिए, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, राहुल एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, राहुल एक व्यक्ति है, तो राहुल गधा नहीं है, सभी व्यक्ति राहुल नहीं है। इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो 1 या तो 2 आएगा डी। तो देखिए 13 में 9 6 2 उल्टा है, 2 6 9, तो हमको 1 4 5, 1 4 5 बी, 13 का बी। देखिए बहुत एक हिसाब से बोरिंग लगता है, इसलिए मैं करना नहीं चाहता। इसमें देखिए फिगर डी में, फिगर ऊपर से देख लीजिए, सब सब दिख रहा है, 14 का 14 का डी, 15 का 180 डिग्री टर्न ए, 15 का ए, 16, बाकी सब वेट है, किलोमीटर डिस्टेंस का है, 16 का ए, 17, 17 जे, के एन क्यू, ऑड वर्ड हमको फाइंड करना है, डी ई एफ जी एच आई जे, तो क्यू आर वाई जेड। ओके, तो पहले टर्न में सब सही है, एल एम एन दो मिसिंग, एफ जी बी, फिर ए बी, फिर एस टी। तो देखिए ए के बाद एन में 2 का गैप है, बाकी सब में एक ही का गैप है। ओके, ई के बाद एफ, एफ मिसिंग है, दूसरे में ए मिसिंग है, सी में ए मिसिंग है, डी में एस मिसिंग है, लेकिन वहाँ पे एल और एम दोनों मिसिंग है। 17 का ए में एल और एम दोनों मिसिंग, इसलिए 17 ए ऑड है। अब इसको देखिए, 154 85, 119 51, तो देखिए 154 85 51, ये सब 17 से डिविजिबल है। 17 7 जा 119, 75 जा 85, 73 जा 51, लेकिन 115 4 नहीं जाएगा, 17 से डिवाइड नहीं होगा, 18 का ए। अब 19 देखिए, 19 तो देखिए बहुत मस्त है, इसको खोलेंगे, बीच में एक डिवाइड आएगा, ए होएगा, मतलब 4 बार उसी फिगर में ऐड कर दीजिए, ए होएगा 19 का ए। यहाँ पे देखिए 20 का, छोटे से बड़ा, मेंबर, फैमिली, लोकेलिटी, कम्युनिटी, 31425, कौन सा ऑप्शन, सी, 20 का सी। 21 21 देखिए, सिंपल कैलकुलेशन, ओरली कैलकुलेट करने का है विदाउट पेन पेपर। तो लास्ट में एज पूछा है पिताजी का, दोनों पितरों की आयु में गैप 15 का है, तो एक अज्यूम कर लीजिए कि पहले 20 और 40 देखिए, 20 और दूसरे पुत्र का 5 साल, तो नहीं होगा, 20 दूनी 40, 10 साल बाद पिता की एज 50 होगी, तो बड़े वाले पुत्र का एज कितना होगा, 30 होगा, और छोटे वाले पुत्र का 15 होगा, तो 15 50 नहीं होता। तो ऐसा कीजिए 25 देखिए, 25 और 15, 25 और 10,
2510 दो यही बैठेगा। 25 का अगर बड़े वाले बेटे की एज 25 है, छोटे वाले बेटे की एज 10 है, 10 साल, तो पिता की उम्र 25 का दुगना होगी 50 साल, और 10 साल बाद पिता की उम्र 60 साल होगी, जो कि छोटे वाले पुत्र से 3 गुना होगी, छोटे आई पुत्र की तिगुनी हो जाती है। तो छोटे की तिगुना कितना होगा, 20 साल। पिता की आयु 50 साल थी। ओके, समझा कैसे कैलकुलेशन हुआ? मेरे पास अभी डिजिटल पेन नहीं है। आप एक सिक्स मान के करते, पता नहीं कैसे करते, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो 25 मैं आपको कैसे बताऊं, 25 10 और 25 20 और 5, 10 साल बाद इनकी एज होगी 15, और वैसे 20 20 23 60, 50 19, 50 और 10 60, तो 21 का आंसर डी। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर 50 है। वैसे कैलकुलेशन करना नहीं, ओरली होता है। देखिए मैंने ओरली किया, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पे 25 का देखिए, 25 25 देखिए डी। सर्कल को ध्यान देना 25 में, कि एक एक ब्रैकेट छोड़ के दूसरे में आ रहा है 25। ओके, तो इस तरह हो गए हमारे सॉल्व रीजनिंग के। अब मेरे पास डिजिटल पेन आने पे मैं मैथ्स का सॉल्व कर दूंगा। इस तरह ख़त्म हुए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस, खाली मैथ्स से बचा है, डिजिटल पेन आने पे कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा। आई होप कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा रीजनिंग में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।